मुझे अभी नहीं पता है नहीं, हम लोग गए थे अभी और वहाँ पर ऑलरेडी पोस्टमार्टम आया है। मेरी बात हो जाएगी, जब कभी भी इस तरह कोई मामला होता है और केस होता है। एक दूसरा मैटर और है, अर्रा बाजपुर में एक बच्चे को बुलाया गया और उसकी हत्या की गई, अभी तक FIR नहीं हुई है। उस दुखी उस बेटे की माँ अभी वहाँ पर रो रही थी मॉर्चरी पे। मेरा अनुरोध है कि आप मॉर्चरी पे उस दुखी परिवार के कम से कम एक FIR तक कराने का काम करें। बंतल साहब अपने दो बच्चे कुएं में गिर के मर गए, अभी पुलिस उसको लेकर काम कर पा रही है और हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। बांग्लादेश की मतलब जो बाहर की मतलब जो बात की है, लेकिन यहाँ अपने कोलकाता में एक जो डॉक्टर की बड़ी डॉक्टर हत्या हो जाती है, हत्या होना रेप होता है, नहीं उसमें अभी तक जो है आपकी पार्टी कोई बयान क्यों नहीं आया? हमारी पार्टी का बयान है, मेरी पार्टी का बयान न्याय सम्मत है, कानूनी है, मगर हमारा ये भी वर्जन है कि मणिपुर की जो इतनी बड़ी घटना हुई, सारी दुनिया जिसकी भर्त्सना कर रही है, क्या सत्ता पार्टी का कोई बयान है उस पे? अगर सत्ता पार्टी का बयान नहीं आता तो क्या सत्ता पार्टी बराबर आरोप लगा रही है कि अखिलेश जी जो है नहीं, अखिलेश जी ममता जी के साथ में है, उनका कोई बयान नहीं आया है? ये बहुत ही मतलब सर्वनायक निंदनीय मतलब कार्य है। जांच की मांग तो की है, जांच हो रही स्पष्ट रूप से। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ रही है और उनके न्याय अधिकारों की हमेशा बात। बयान जो जब काफी समय बाद आया है, उस समय कोई बयान नहीं आया। ये आगे पीछे का एक अलग मत है, जब तक मामले को ठीक से समझने में क्या है मामला संज्ञान जब आएगा। जिस तरह से अपने बयानों देखिए अम्बेडकर जी, कन्नौज में जो घटना हुई है उसमें समाजवादी पार्टी किसके साथ है? कौन सी समाजवादी पार्टी? निष्पक्ष न्याय जांच हो, अभी तो आरोप लगाया, आरोप जेल ही चला गया है, जांच चली रही है, अभी चार्जशीट लगी रही है। माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय भूपेंद्र यादव जी का स्पष्ट बयान है कि जो व्यक्ति आरोपी है उसका पार्टी से काफी समय से कोई ताल्लुक नहीं है। आरोपी के साथ में, पीड़ित के साथ में? समाजवादी पार्टी किसके साथ में खड़ी है? आरोपी या पीड़ित के साथ? पीड़ित के साथ में, पीड़ित इसके साथ में। जांच तो हो, पीड़ित है कौन, क्या है, रहे तो क्या है? अभी तक यही नहीं पता पीड़ित कौन, जिसके साथ नहीं, जिसके साथ दुष्कर्म हो जाता है। पत्रकार साहब मैं एक कहना चाहूंगा, आप ये अपना आप ये पीड़ित कौन है? दुष्कर्म हुआ थोड़ी है, नहीं भाई वो जांच का विषय है। 64 के बयान में पुष्टि की है, 64 का जो बयान नहीं हुआ तो उनका जेल में क्या हुआ भाई? अभी आप तो जाने दो रिपोर्ट भाई। अरे आप चार घंटे पहले अयोध्या में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसमें सपा से जुड़ा हुआ आरोपी बताया गया सलमान नाम का, उसका जेल जाएगा। आरोप सिद्ध होगा, जेल जाएगा। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, क्या इस घटना की निंदा करते हैं? अपराधी चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, किसी का हो, संघ धाराओं में उसके खिलाफ वीडियो ऊपर जो है ये दुष्कर्म वगैरह की ये सब वारदातें हो रही है, सपा वाले को ऊपर ज्यादा आरोप लग रहा है। क्या बात है, वाह पत्रकार महोदय, वाह सत्ता का लगाम। अरे भैया रहनी है, अरे छोड़िए आप, जब ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं। आरोप आरोप नहीं लग रहे हैं आपके। अरे आपके अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में इससे पहले भी हुआ है, अभी मतलब पूरा ध्वस्त किया गया है, अभी दोबारा फिर अभी का प्रकरण ताजा निकल के आ रहा है। कन्नौज का देख लीजिए, अयोध्या में आपने मतलब सीधा सीधा आरोप लगा बात नहीं, मेरी बात नहीं, अगर क्वेश्चन करना हम लोगों का अगर वो है तो आप इस बार तक क्यों बुलाई? मेरी बात क्वेश्चन करना हमारा काम है, आप जवाब दें या न दें? नहीं मैंने कोई पत्रकारों का आरोप नहीं, आपने सीधे आरोप लगाया कि मतलब बात पत्रकार जी नहीं आरोप लग रहे हैं, आप ये सरकार किसकी है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप एक नहीं बताइए, चार उदाहरण आपको बता दें, सभा को आरोप लगे आप लोगों ने मतलब नहीं आरोप। देखो भाई जीरो टॉलरेंस, ये सब जीरो टॉलरेंस की वो देखना है, वो अपने जांच का विषय है, जांच कराए, जो आरोपी उसको पकड़े। ये बात आप सही है, लेकिन आप आरोप लगा रेट कर दिया, आप
मेरी बात समझ लीजिए, कोई भी आरोप किसी पे लगता है ये जांच का विषय है, आरोपी गिरफ्तार है, जांच करें, जो सजा निकल रही है सजा दें, उनकी सरकार है ना, जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो जीरो टॉलरेंस करें। प्रभारी साहब ये बताओ सच क्या है, कितने सदस्य बताने का? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने हर व्यक्ति को कम से कम 1,500 से 2,000 और अलग अलग संगठनों को 2,000 लोगों को सदस्य बनाने के लिए बोला है और इसमें हम लोग लगातार। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति हमेशा से ही उनका रवैया हमेशा से पॉजिटिव रहता है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज फर्रुखाबाद की जो घटना हुई है, खासकर कायमगंज के भगवतीपुर गाँव की, इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। हम सब लोग अभी मॉर्चरी से आ रहे हैं सीधे यहाँ और उनके घर वालों से मिले, उनके घर वालों का साथ यही आरोप था कि हमारी बच्चियों को दोनों को मारा गया है। हालांकि प्रशासन से हमने अनुरोध किया कि इनकी निष्पक्ष जांच हो और सीओ साहब से हमारी बात हुई, सीओ साहब ने कहा कि हम लोग निष्पक्ष जांच के फेवर में हैं, इवन कि हम लोग मॉर्चरी के अंदर भी नहीं जा रहे। लेकिन बड़े भाई सर्वेश अम्बेडकर जी अभी बता रहे हैं कि उसमें वो हैंगिंग का मामला का रिजल्ट आ रहा है, जबकि उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि हमारी बच्चियों को मारा गया है। तो हम माननीय पत्रकार महोदय आपसे भी पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति हमेशा आदर और सम्मान करती है। माननीय नेताजी के ज़माने से ये साहब है, कन्या विद्याध्यन योजना, पता नहीं कितनी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इतनी कितनी योजनाएँ माननीय नेताजी और माननीय बनाने का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी नारियों के प्रति हमेशा सम्मान करने का काम।